garage again. Ready? और कंपटीशन में कितना रहता है सर इन लोग का, मतलब 400 मीटर का? अभी तो इन लोग एक महीना बचा है ना, डेढ़ महीना। अच्छा, तो उस हिसाब से धीरे धीरे उतरेंगे। अच्छा, लास्ट एक मिनट तक लगाएंगे। अच्छा, अगर एक 10-15 तक लगा लेते हैं, 10 तक ना, तो भारी भर्ती निकल जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सर से जूता के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और आप लोग के लिए अभी बेस्ट समय है और सर जो टिप्स देंगे उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप लोग का लगभग 2-4-5 सेकेंड बचना ही है। तो सर से पूरा जानेंगे, सर बताएंगे कि आपका जूता जैसे अब स्टूडेंट्स लोग को बताए हैं तो किस वे में होना चाहिए, कैसा उसका फॉर्म रूप रहना चाहिए, सर बता दिए। हाँ, जूता तो जो वी शेप में रहता है जी, आप इधर आकार में होना चाहिए, और उसे जो परकुशन का मात्रा हो जाए एडी प्रिन प्लस होना चाहिए जी जी, ताकि दौड़ने में पैर में जो प्रॉब्लम्स होता है सीन पेन वगैरह जी ये नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे आप इसको खोलिए, तो एक जूता को खोलिए, जैसे इसमें सर ये इसमें जो पंच की मात्रा है प्रिन। अच्छा, मात्रा, ये परकुशन जिसको बोलते हैं अच्छा, इसका मात्रा होना चाहिए जूता में, तो ये पैर के लिए फायदेमंद होता है। अच्छा, इससे पैर में सीन पेन वगैरह की जो समस्या आती है इससे दूर हो जाता है, दूर रहता है। और जैसे रनिंग करने में, मैराथन दौड़ने में, रोड पे रेस करने में सहूलियत होता है, इससे मदद मिलता है पैर को जी जी, काफ़ी इसमें पंचिंग की मात्रा जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये जो शूज है कलिंजी के है, कलिंजी कंपनी का, और एडास में भी आता है एडी जीरो करके। अच्छा, तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन जिसको दौड़ना है रनिंग करना है तो वो तो परचेस कर ही सकता है अपने सेहत के लिए, और काफ़ी से मूवमेंट वगैरह में और दौड़ने में पैर का जो जिससे लोकल जूता से गर्म हो जाता है उससे गर्म नहीं होता है ये। अच्छा, हाँ, इसे क्या होता है पैर में फोड़ा वगैरह लॉन्ग रेस में नहीं होता है जी जी, पहनने से ये है इस जूता में खासियत। और जैसे सर मतलब दोनों को कंपैरिजन करना चाहें, जैसे ये एक प्लेन शू हो जा रहा है ना, मेरा भी जैसा एक शू है पूरा प्लेन हो जा रहा है और इसमें थोड़ा वी शेप है हमारे पैर का, देखिए पैर का जो हमारा शेप ही जो है वी शेप में रहता है, मतलब यहाँ पर जो गैप रहता है जी जी, देखना बाकी रहता है फ्लैट फुट का कहा जाता है इसमें, तो वो फ्लैट फुट जो है अपनों को भर्ती में भी किसी भी भर्ती में फोर्स के डिपार्टमेंट में भर्ती में अलाउ नहीं है जी जी, उसको डिसक्वालीफाई माना जाता है, वो उसको लेते ही नहीं है, इसलिए जो जूता का भी शेप बनाया हुआ है सेम बनाया हुआ है, और फ्लैट फुट लोग ज़्यादातर अधिकतर टाइमिंग मिस नहीं कर सकते हैं, अगर जूता भी पहनेंगे तो भी आप टाइमिंग अच्छा नहीं कर सकते हो जी, और पैर का भी अगर फ्लैट फुट है तो भी नहीं कर सकते टाइमिंग, ये बेनिफिट है इससे बिल्कुल। और इसमें सर ये बताना चाहेंगे कि टाइम कितना बच जाता होगा अगर जैसे टाइम बहुत कुछ इसमें क्लोज होता है, अगर हम 400 मीटर 1:10 का लगा रहे हैं, रिपीटेशन वर्क कर रहे हैं जी, तो आपको इसी पेस पे 1:10 के ही लगाएंगे, तो आपका अगर लोकल जूता से 1:12-13 का जा रहा है तो 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड तक इसमें काफ़ी सुधार होता है, तो पर राउंड में अगर 3-3 सेकेंड भी कम कर रहे हैं तो काफ़ी, अगर 10 राउंड लगाने तो 10-30 सेकेंड ऐसी कवर हो जाता है बिल्कुल, ये है इसका।
जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर का इंट्रोडक्शन दिया ही है ना, कि सर ने ऑलरेडी अपने टाइम पे जो थे गोल्ड मेडलिस्ट थे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 42 किलोमीटर तक इन्होंने मैराथन रेस किया है और जीता है। ठीक है, तो सर से बस ये आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जूता का था। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बिगनर लोग के लिए एक्सरसाइज क्या क्या होना चाहिए बिफोर रनिंग एंड आफ्टर रनिंग। बिगनर को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, बिगनर कोई नए नए बच्चे आए हैं जी तो उसको बोलते हैं बिगनर जी, अभी स्टार्ट किए हैं तो उसको स्लो और एक्सरसाइज में ABC एक्सरसाइज। अच्छा, और ये ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए ABC एक्सरसाइज में, ताकि उससे हर प्रकार के जो मूवमेंट है शरीर का जी जी उससे होता है जी, और उससे स्पीड भी आता है। तो अधिकतर अगर नया बिगनर है जी तो सप्ताह में कम से कम आपको 3 दिन इंक्लूड करना चाहिए वीकली। ये क्या होता है सर ABC एक्सरसाइज? ABC एक्सरसाइज मतलब ऑल पार्ट्स, मतलब ऑल बॉडी की एक्सरसाइज है, जिसमें पैर का कैसे मूवमेंट होना चाहिए, हाथ का कैसे मूवमेंट होना चाहिए, थाई में जी, काफ्स मसल्स में, ग्रोनी मसल में, ये सब उनका जो है फायदा मिलता है इससे करने से, और काफ़ी इम्प्रूव होता है रनिंग में। आपको पता होगा तो थोड़ा करके दिखाइए ये एक्सरसाइज। ये डोमन यादव है, ये आपको ABC एक्सरसाइज करके बताएगा जी। पोस्टीरियर में क्या करते हैं जी जी, फर्स्ट तो हनी, फिर बैक किक, फ्रॉग, सब होता है तो करके दिखाएगा अभी। चलिए हनी करके, हाँ यही करके हनी करके दिखा कैसे करते हैं हनी। ये हनी, ये होगा हनी एक्सरसाइज। अच्छा, ABC का फर्स्ट जिसको बोल सकते एक्सरसाइज जी, और बैक किक है, बैक किक, ये होगा बैक किक, और फ्रेट पंजे पर करते हैं अपन लोग, आगे निकलते हैं ये, तो इससे काफ़ी मूवमेंट होता है। बहुत सारे एक्सरसाइज है जी जी, इसको करना बहुत ज़रूरी है, अगर स्पीड लाना है नए बिगनर है जी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में कम से कम 3 दिन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद धीरे धीरे 3-4 5-6 वीक हो जाता है, तो आप जो इस वीकली बना हुआ है प्रोग्राम बिल्कुल उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये खासकर बिगिनर लोगों के लिए जी जी। और सर जैसे एक और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, रनिंग रेलवे में ज़्यादातर सर टाइमिंग जो होता है वो लगभग सुबह 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो लोगों को किस टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहिए बताना चाहिए? अगर कोई प्रैक्टिस भर्ती इस तरह या है भर्ती के दौर पर जाना चाहता है, चाहे ऐसी रनिंग मैराथन करना चाहता है, एथलीट करना चाहता है, तो उसको प्रॉपर ढंग से जैसे अगर लगता है 10 बजे चालू तो उसको भी प्रैक्टिस बीच में करना चाहिए, 2-10 बजे, शाम को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो उससे क्या होता है शरीर जो है उसी शेप में ढल जाता है। बिल्कुल, तो उससे दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल, ये है करने का मतलब। बिल्कुल, तभी आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, टाइमिंग भी मिस होगा, और एकाएक आप कोशिश करेंगे कि दोपहर में 10 बजे दौड़ने का कंपटीशन में सीधा, तो आप थोड़ा दिक्कतें होगा, आपका टाइमिंग में उतना म्यूचुअल टाइमिंग नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग आगे देखिएगा कि आज का जो स्टार्टिंग में मैंने रिकॉर्ड किया है बच्चे लोग का 400 मीटर का, इन्होंने लगभग 10 राउंड मारा है, टारगेट था इनका सर के द्वारा जो दिया गया था सर 1 मिनट 10 सेकंड का है ना, तो हर राउंड को आप लोग देखिएगा, मैं लगभग 3-4-5 राउंड कम से कम कवर कर पाया हूँ, उसको देखिएगा कैसे आते हैं, कैसे मतलब एक्सरसाइज करते हैं। और सर सर, रेडी।
लास्ट है क्या इसके बाद? जाने दे सुनील, सेम पे जाने दे, कभी होना एक बार, पढ़ा मत लेकिन जाने दे उसी सेम, जाने दे चल, कम मत कर,